जय गुरुदेव। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी रियल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह से कॉटन कपड़े से ड्रेस बनाएंगे। इसमें हमने ब्लू कलर का कॉटन कपड़ा लिया है और इसमें व्हाइट कलर की हमने लेस लगाई है। उस तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है और इसमें हमने ओपन चोली बनाई है जिसके ऊपर हमने इस तरह से बो लगाई है। इस तरह से हमारी ओपन चोली बनाई है। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इस ड्रेस को हम इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं। इस तरह से अपनी चोली को फोल्ड करते हैं और अपने घेरे को इस तरह से हम पीछे बांध देते हैं। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई जाती है। इस तरह से हम ये ड्रेस बनाएं। तो चलो अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अपनी ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। ये आज हमने ब्लू कलर की कॉटन पट्टी ली है जिससे हम अपनी ड्रेस बनाएंगे। आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने पट्टी की है। इस पट्टी का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 9 इंच की पट्टी ली है चौड़ाई में, जिसे मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है। तो इसकी कुल पट्टी की चौड़ाई हमारी 4.5 इंच रह जाती है। इस तरह से 4.5 इंच इसकी चौड़ाई लेते हैं। लंबाई इसकी हम 40 इंच इसकी लंबाई लेते हैं। तो ये लंबाई हम 35 से 40 इंच के बीच में ले सकते हैं। इस तरह से हम ये 4.5 बाई 5 इंच की लंबाई लेते हैं। डबल पट्टी करते हैं हम, इसलिए इसको हम 9 इंच का लिए हैं। तो तैयार हमारी 4.5 बाई 40 इंच की है। इसी तरह से जिस तरह से हम लड्डू गोपाल की साइज बढ़ती जाएगी तो उसमें हम आधा आधा इंच तो लंबाई में सॉरी चौड़ाई में बढ़ाते जाएंगे और लंबाई के अंदर हम 2.5 से 5 इंच के बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे लड्डू गोपाल की साइज कम होगी उसमें आधा आधा इंच कम करते जाएंगे हम। तो जैसे हमारे 5 नंबर के, तो 4 नंबर के लड्डू गोपाल की हमारी 4 इंच हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो कुल पट्टी हमारी 8 इंच की कटेगी, जिसे हम डबल करने पे हमारी वो 4 इंच की तैयार हो जाएगी। और उसकी लंबाई हम 35 इंच रख लेंगे, 35 से 37 इंच के बीच में रख लेंगे। इसी तरह से 3 इंच के लिए, 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम इसमें 3.5 तैयार करेंगे पट्टी को। और पट्टी की कटिंग हम करेंगे उसमें 7 इंच, क्योंकि डबल होने पे हमारी वो 3.5 इंच होगी। और इसकी लंबाई हम कर लेंगे 30 से 32 इंच के बीच। इस तरह से जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आधा आधा इंच हमारा चौड़ाई में बढ़ता जाएगा और 2.5 से 5 इंच के बीच में हमारी लंबाई बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कम होगा वैसे आधा आधा इंच कम होता जाएगा। आधा इंच हमारे डबल पट्टी में, तो हमारी सिंगल पट्टी में हमारा 1 इंच होगा। इस तरह से हम ये कटिंग करेंगे। ये पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारी 4.5 तैयार है और 40 इंच की लंबाई। तो इसके कोनों को मैंने इस तरह से, दोनों कोनों को इस तरह से सिलाई कर लिया है। और फिर इसे हम सीधा करके प्रेस लगा लेते हैं, जिससे हमारा ये बिल्कुल दोनों मुँह बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। अब इस पट्टी के जो हमारा मुड़ा हुआ हिस्सा है, खुला हुआ हिस्सा ऊपर रखते हैं, नीचे मुड़ा हुआ हिस्सा है, उस हिस्से के ऊपर इस तरह की हम कॉटन लेस लगाएंगे। ये लेस की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो जो इसका ये बार कटिंग वाला हिस्सा है, ये हम अपनी पट्टी से थोड़ा बाहर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर ये लेस लगा लेंगे। तो मैं इस लेस की सिलाई करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी लेस लगा ली है और इसके ऊपर दोनों सिलाई लगा ली। अब इसके अंदर हम प्लेटें डालेंगे। प्लेटें हम इस तरह से डालते हैं। जैसे हम पिनअप भी कर सकते हैं। पिनअप करके प्लेट डालना मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, जिसे बिल्कुल आसानी से हम प्लेटें डाल सकते हैं। इस तरह डालते हुए मैं इसमें सभी में प्लेटें डाल लूँगी। और ऊपर कमर की चौड़ाई हमारी 5.5 से 6 इंच के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से मैं ये प्लेटें डाल लेती हूँ। प्लेटें डालने के बाद ऊपर एक सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सारी प्लेटें डाल के ले आती हूँ। इस तरह हमने अपने घेरे में प्लेट डाल के इसे कंप्लीट कर दिया। अब इसके ऊपर हम नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए मैंने एक पट्टी काट ली है। ये पट्टी मैंने ढाई इंच चौड़ाई की काटी है। लंबाई हमारे घेरे के जितनी हो जाएगी 6 से 6.5 इंच की पट्टी। अब इस पट्टी को अंदर इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसे उल्टी तरफ से एक सिलाई लगा के ले आते हैं। तो फिर मैं सिलाई लगा लाती हूँ। फिर मैं इस तरह अपने पीछे हमने एक पट्टी लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से आगे की तरफ करेंगे। आगे की तरफ हम इसमें एक इस तरह से सिलाई लगा देंगे।
नेफे की है। सिलाई करते समय बीच में मैंने इस तरह से वाइट कलर की एक पट्टी बनाई है, तो ये पट्टी भी हम इसमें साथ में दे देंगे, जो हमारे ये डोरी की जगह हम इसमें पट्टी दे रहे हैं। आप डोरी चाहें तो डोरी भी दे सकते हैं। तो इस तरह मैं ये नेफा बना लाती हूँ और अपनी डोरी भी इसमें डाल लाती हूँ। तो ये सिलाई करके ले आएंगे, फिर हमारा घेरा कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी चोली बनाते हैं। इस तरह हमने ऊपर नेफा लगा के अपने घेरे को कम्प्लीट कर लिया है। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए हम ये 4x4 इंच का एक चौकोर पीस ले लेते हैं। अब इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड करके इसके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक हिस्सा हम नीचे का इसमें खुला रखेंगे और इसके साथ में हम इस तरह की एक पट्टी बना लेते हैं। ये पट्टी मैंने 2 इंच की एक पट्टी काट के इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और फिर इसे सीधा करूंगी। इस तरह से ये पट्टी बनाते हैं। तो मैं अपने पहले पट्टियां बनाऊंगी, फिर इससे अपनी चोली के अंदर सिलाई करेंगे। तो साथ में हम इस पट्टी को भी इस तरह से अटैच कर देंगे। एक पट्टी इधर अटैच होगी, दूसरी पट्टी इधर अटैच होगी। तो पहले मैं ये इधर वाली सिलाई लगा लेती हूँ, इसमें ये एक सिलाई लगा ली। अब इन दोनों पट्टियों को हम इसके अंदर इस तरह से साथ में सिल देंगे जब ऊपर का टांका लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें दोनों पट्टी डाल दी और यहाँ पे भी ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसे सीधा करेंगे। तो ये सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने सिलाई लगा लिया, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस हम पीछे से लगाएंगे, पीछे हम थोड़ी सी लेस को कट कर देंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके पीछे की पट्टी पे लगाएंगे और अपनी सिंगल पट्टी के ऊपर इस तरह से इसे यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। एक बार फिर इसको इधर लगा लेंगे। तो दोनों तरफ मैं पट्टी लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। इस तरह हमने अपनी चोली पे लेस लगा ली। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमें एक बो बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये एक सिंपल पट्टी काट ली है, सिंपल ये 2 इंच चौड़ाई की और 3 इंच लंबाई की। अब इस तरह से इसे हाफ फोल्ड करती हूँ और इस पट्टी को एक दूसरे पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे और इसे हम सीधा करेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सीधा करते हैं इसे। इसे हमने सीधा कर लिया है, इसे सेंटर से इस तरह से हम छोटी छोटी टेप भर के इसका सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी ये छोटी सी बो बन गई है। अब इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, साथ में इसमें यहाँ पे एक पाली भी लगा देंगे। इस तरह हमारी ये चोली बनके कंप्लीट हो गई है। अब अपनी चोली को हम घेरे पे अटैच करते हैं। तो इस तरह से अपने घेरे का हम सेंटर निकालते हैं और अपनी चोली के सेंटर से इसे इस तरह से हम एक सिलाई करके अटैच कर देते हैं। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने घेरे के ऊपर चोली लगा के इसे कम्प्लीट कर लिया। इससे हमारी ड्रेस कम्प्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।